संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत प्रयास कर रहा है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में से एक चीन भी है, जिसने कभी दुर्दांत पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर के पक्ष में अपने वीटो का प्रयोग किया, तो कभी उसी विशेषाधिकार के बल पर भारत को एनएसजी की सदस्यता मिलने में अरंगा लगाया। विडंबना यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जेके कैनेडी ने 1956 में भारत को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हाल में सजाकर भेंट करनी चाहिए, क्योंकि एशिया में वह कम्युनिस्ट चीन के मुकाबले भारत को मजबूत होते देखना चाहते थे। लेकिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वैश्विक गुटनिरपेक्ष नेता की रूमानी छवि के मोहजाल में फंसकर इसे ठुकरा दिया था। इतना ही नहीं, चीन के प्रति दीवानगी की हद तक अंधविश्वास रखने वाले नेहरू ने भारत के स्थान पर चीन को सुरक्षा परिषद में प्रवेश देने की मांग कर डाली। आपको बता दें कि सरदार पटेल ने कई साल पहले नेहरू को चीन पर बिल्कुल भी भरोसा न करने और व्यवहारिकता के साथ अपने देश के हितों की रक्षा करने के लिए कहा था। मृत्यु के एक महीने पहले यानी 7 नवंबर 1950 को सरदार पटेल ने नेहरू को चीन के बारे में आगाह करते हुए पत्र लिखा। इसमें वे लिखते हैं, पिछले कुछ महीनों में रूसी रवैये के अतिरिक्त दुनिया में अकेले हम ही जिसने चीन के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश का समर्थन किया है और फॉर्मोसा के मुद्दे पर अमेरिकी अभिवचन से उनकी रक्षा की है। अमेरिका ब्रिटेन के साथ और संयुक्त राष्ट्र में हमने बातचीत और पत्राचार दोनों में चीन के अधिकारों और भावनाओं की रक्षा की। इसके बाद भी चीन द्वारा हम पर संदेह करने से यही स्पष्ट होता है कि चीन हमें शत्रु मानता है। मुझे नहीं लगता कि हम चीन के प्रति इससे अधिक उदारता दिखा सकते। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने अपनी किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि संबंधित दस्तावेजों को देखने वाले अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की। थरूर ने नेहरू द्वारा चीन के यह स्थान दिए जाने की मांग के बारे में भी लिखा है। 11 मार्च 2015 को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्राष्ट्रीय इतिहास विभाग के एंटन हर्डर ने नॉट एट द कास्ट ऑफ चाइना नामक रिपोर्ट में नेहरू और उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित, जो अमेरिका में भारत के राजदूत थी, के बीच हुए पत्राचार को प्रकाशित किया, जिसमें नेहरू साफ साफ लिखते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का इच्छुक नहीं है और चीन को ही यह स्थान मिलना चाहिए। जब सरदार ने नेहरू को पत्र लिखा, उस समय तिब्बत पर चीन का आक्रमण जारी था। चीन तिब्बत के बारे में कपटपूर्ण बयानबाजी कर रहा था। पटेल तिब्बत की सुरक्षा को भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने लिखा, मैंने पत्राचार यानी चीन की सरकार, भारत के राजदूत और प्रधानमंत्री नेहरू के मध्य को ध्यान में उदार पूर्वक पढ़ा, परंतु संतोषजनक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। चीन की सरकार ने शांतिपूर्ण इरादों की घोषणा करके हमें धोखा देने का प्रयास किया। वे हमारे राजदूत के मन में यह बात बिठाने में सफल हो गए कि चीन तिब्बत मामले का शांतिपूर्ण हल चाहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पत्राचार के बीच के समय में चीनी तिब्बत पर भीषण आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। त्रासदी यह है कि तिब्बतियों ने हम पर विश्वास किया है, परंतु हम उन्हें चीन की कूटनीति और दुष्ट इरादों से बचाने में असफल रहे। पत्र में आगे वे कहते हैं कि उपरोक्त बातों को ध्यान रखते हुए हमें तिब्बत के विलुप्त होने और चीन के हमारे दरवाजे तक आ पहुंचने से उत्पन्न नई परिस्थिति पर विचार करना होगा। भारत के संपूर्ण इतिहास में हमें शायद ही कभी उत्तर पूर्वी सीमांत की चिंता करनी पड़ी होगी। हिमालय उत्तर से होने वाले किसी भी संभावित खतरे के लिए अब एक दीवार सिद्ध हुआ। उत्तर में हमारे पास मैत्रीपूर्ण तिब्बत था, जिसने हमारे लिए कोई समस्या उत्पन्न नहीं। उस समय चीन बटा परस्पर संघर्षशील राज्यों में बटा हुआ था, तब उनकी अपनी घरेलू समस्याएं थी, अतः हमें उससे चिंता नहीं करनी पड़ी। 1914 में हमने तिब्बत के साथ समझौता किया। चीन ने उनका समर्थन नहीं किया। हमने तिब्बत की स्वायत्तता को भविष्य के सहसंबंधों के रूप में विस्तृत होते देखा। हम तो चीन के उक्त अनुमोदन पाद मात्र चाहते थे। अधिसत्ता की चीन की व्याख्या भिन्न मालूम पड़ती है। भारत का तिब्बत के साथ भूमि समझौता था, अब चीन तिब्बत पर चढ़ आया था। भारत यदि आगे बढ़कर तिब्बत पर चीनी हमले का विरोध करता, तो अमेरिका और पश्चिमी देश भारत का साथ देने को उत्सुक होते। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू चीन के खिलाफ कठोर कदम उठाने के पक्ष में नहीं थे। सरदार पटेल भारत के असुरक्षित होती सीमाओं को लेकर चिंतातुर थे। उन्होंने मानव भविष्यवाणी करते हुए लिखा, हमें समझ लेना चाहिए कि वे शीघ्र ही तिब्बत की भारत के साथ हुई तमाम पुरान संधियों को नकार देंगे। तिब्बत के साथ हुई जिन संधियों के आधार पर भारत पिछली आधी सदी से सीमांत संबंधित और वाणिज्यिक व्यवहार करता आया है, तो वे सारी संधियां अमान्य कर दी जाएंगी। और यही हुआ भी।
जिसकी परिणति 1962 के भारत युद्ध चीन के रूप में हुई और भारत को अपनी भूमि और वीर जवानों के प्राण गंवाने पड़े। सरदार पटेल ने इस युद्ध से 12 साल पहले ही आगामी संकट की चेतावनी दे दी थी। उन्हीं के शब्दों में, चीन की जमीन की भूख और कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद पश्चिमी विस्तारवाद और साम्राज्यवाद से अलग, चीन ने विचारधारा का आवरण ओढ़ा हुआ है। यह उसे 10 गुना अधिक खतरनाक बनाता है। निकट का कटु इतिहास हमें बताता है कि कम्युनिज्म साम्राज्यवाद के विरुद्ध कोई ढाल नहीं है, और कम्युनिस्ट साम्राज्यवादियों जितने भी अच्छे या बुरे हैं, इस संदर्भ में चीन की महत्वाकांक्षा न केवल भारत की ओर से हिमालय के ढालों पर कब्जा करने की है, बल्कि उसकी दृष्टि असम तक है। लेकिन सरदार की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया। हिंदी चीनी भाई भाई के दिवा स्वप्नों को तथ्य बनाकर सरकार संसद और देश के सामने परोसती रही। जब रिपोर्ट सामने आई कि चीन भारत के क्षेत्र लद्दाख में सड़क बना रहा है, तो भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सीमा पर चीनी हरकतों को लेकर इस कदर उदासीनता थी कि उस समय गृह मंत्रालय में एक मजाक चलता था, जब किसी अधिकारी को किसी कागज पर कार्रवाई नहीं करनी होती तो वह कहता, इसे बॉर्डर फाइल में डाल दो। भारत की सीमा पर बढ़ती चीन की सैनिक आक्रामकता का उत्तर देने के लिए पुलिस चौकियां बनाई गई। लद्दाख में चीन को रोकने के लिए ऐसी 64 पुलिस चौकियां बनाई गई थी, जबकि सेना को साजो सामान और हथियारों से मोहताज रखा गया। रक्षा कारखानों में कॉफी और कप प्लेट और सौंदर्य प्रसाधन बनाए जा रहे थे। परिणाम यह हुआ कि जब युद्ध हुआ तो शून्य से कई डिग्री नीचे के तापमान में हमारे जवान सूती कमीज पहनकर 50 साल पुरानी बंदूक से लड़ रहे थे, जिनमें पर्याप्त गोलियां तक नहीं थी। न खाना था, न पानी, न तंबू थे, न सड़क। पूर्वोत्तर में सेना की कमान नेहरू के करीबी सैन्य अधिकारी को दी गई थी, जिसे एक दिन का भी युद्ध का अनुभव नहीं था, जबकि हमारे लाखों सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और जो बहाना बनाकर दिल्ली के अस्पताल में भर्ती होकर वहीं से युद्ध का संचालन कर रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल आगामी भूषा मरिक और कूटनीतिक गठजोड़ों को आकार लेते देख रहे थे। 1965 में सामने आए चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ की संभावना सरदार के इन शब्दों में तलाशी जा सकती है। इस प्रकार पूर्व से अब दो खतरे हैं, कम्युनिस्ट और साम्राज्यवाद, जबकि हमारे पश्चिम और पूर्व में तत्कालीन पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान खतरे पहले से ही। तब उत्तर और उत्तर पूर्व में यह नया खतरा खड़ा हो गया है। अगली पंक्तियां में सरदार के दूरदर्शिता और अचूक भविष्य दृष्टि की झलक मिलती है। ये वे चेतावनियां थे जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, इस चूक का भुगतान देश ने किया। वे लिखते हैं कि बर्मा को लेकर भी चीन की महती आकांक्षाएं हैं। बर्मा के साथ तो मैकमोहन रेखा भी नहीं है, जिसके आधार पर संधि की संभावना तलाशी जा सके। आज बर्मा के चप्पे चप्पे पर चीन की छाप है। उनकी अगली चेतावनी जो अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई, वह इस प्रकार है, मैं तुम्हारा ध्यान संकट अभिमुख उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमांतों की ओर से दिलाना चाहता हूँ। इसमें नेपाल, भूटान, सिक्किम, दार्जिलिंग और असम के जनजातीय इलाके शामिल है। संचार संपर्क की दृष्टि से वे कमजोर बिंदु हैं। अविरल सुरक्षा रेखा का वहाँ अभाव है। वहाँ घुसपैठ की लगभग असीमित संभावनाएं हैं। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बहुत थोड़े से मार्गों दर्रों तक सीमित है। उस समय पर से हमारी सीमा चौकियों में सुरक्षा कर्मियों की कमी है। इन क्षेत्रों से हमारा निकट आत्मीय संपर्क भी नहीं है। भारत दशकों से असम और नागालैंड में उग्रवाद की समस्या से जूझ रहा है। समस्या को घातक बनाने में विदेशी मशीनरियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। देश की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े इस मामले को छद्म सेकुलरिज्म के चलते वर्षों तक उपेक्षित किया गया। सरदार पटेल ने बेबाकी से लिखा था कि पिछले 3 वर्षों में हम नागा लोगों अथवा असम की पहाड़ी जनजातियों से कोई उल्लेखनीय संवाद नहीं कर पाए हैं। यूरोपीय मिशनरियों एवं अन्य आगंतुक उनके संपर्क में रही हैं, जिनका भारत और भारतीयों के प्रति कोई सद्भाव कतई नहीं रहा है। सरदार पटेल ने 565 रियासतों का भारत में विलय करवाया। एक कश्मीर के मामले को नेहरू ने अपने हाथ में रखा। इसी दौरान हैदराबाद का निजाम भी कश्मीर की राह पर था, लेकिन सरदार ने उसकी एक न चलने दी। 22 लाख सैनिक और 2 लाख सशस्त्र राजाकारों के दम पर निजाम भारत को चुनौती दे रहा था। पाकिस्तान उसका साथ देने और उसके पक्ष में अपनी वायुसेना को उतारने का इरादा बना रहा था। खूंखार जिहादी राजाकार हजारों स्थानीय हिंदुओं का कत्लेआम कर चुके थे। प्रतिदिन सैकड़ों बलात्कार हो रहे थे। उधर नेहरू आंतरिक बैठकों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या कर कर्तव्य की इतिश्री कर रहे थे और निजाम से निपटने के लिए सेना को भेजने के लिए तैयार नहीं थे। सरदार खींच चुके थे। आखिर में हुआ यह कि एक सुबह नेहरू को अचानक जानकारी मिली कि भारत की सेनाएं निजाम के हत्यारे लश्कर को पछाड़ती हुए हैदराबाद में प्रवेश कर रही है। हड़बड़ा कर उन्होंने पटेल को फोन लगाया तो घर वालों ने बताया कि उनका स्वास्थ्य खराब है और फिलहाल बात नहीं हो सकेगी। इस तरह हैदराबाद को बचा लिया गया। इन सब बातों का विचार करें, सरदार का वह पत्र पढ़े तो ख्याल आता है कि यदि वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो क्या भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता ठुकरा देते।
क्या तिब्बत के लिए कुछ भी न करते? क्या 1965 में चीनियों के सामने हमारी सेना बिना तैयारी के खड़ी होती? यदि हमने अपने हितों की शुरू से ही रक्षा की होती तो भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होता और तो चीन और पाकिस्तान हमसे उलझने आते। सरदार कश्मीर के मामले को कैसे संभालते? क्या वे देश की राजनीति में वंशवाद को पनपने देते? क्या होता यदि वे कुछ साल और जीवित रहते? क्या होता यदि जिम्मेदार लोगों ने सरदार की बात सुनी होती? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। धन्यवाद।